वाह भाई वाह, 50 से 60 लाख के बजट में आपको एक मॉडलर किचन भी मिल जाती है, एक कार पार्किंग भी मिल जाती है। ख्याल से गुड़गांव की सबसे सस्ती एंड सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में इसकी गिनती होनी चाहिए। मुझसे दोबारा मत कहना कि विमलेशी ने मुझे कम बजट में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दिलाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और न्यू वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। स्पेशली इस वीडियो में मैंने उन लोगों का खास ध्यान रखा है जिन लोगों का बजट ही 50 से 60 लाख के बीच में था, अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे थे गुड़गांव में, रेडी टू मूव देख रहे थे एंड विद ऑल एमिनिटीज़ के साथ में, जिसमें अपनी एक कार पार्किंग भी इंक्लूड आ जाती हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी हो, कम्युनिटी हॉल भी हो, बैडमिंटन कोर्ट, सारी एमिनिटीज़ अपने को मिल जाएं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सर्च कर रहे थे 50 से 60 लाख के बजट में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं लेके आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ही प्रॉपर्टी की विज़िट कराऊंगा जिसमें आपको बेसमेंट में पार्किंग भी मिल जाएगी, बच्चों को खेलने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्टिल्ट में मिल जाएंगी एंड स्पेशली आपको जो लोग भजन कीर्तन में काफ़ी रुचि रखते हैं तो उन लोगों के लिए इसमें स्पेस मिल जाएगा, आप अपना भजन कीर्तन भी यहाँ पे करा सकते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी 50 से 60 लाख के बजट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रॉपर्टी एंड लोकेशन बता देता हूँ। ये जो आज मैं प्रॉपर्टी लेके आया हूँ आपके लिए, सेक्टर 37C में लोकेशन पड़ती है बेसिकली इसकी। ये जो प्रोजेक्ट है आवर होम्स, बहुत से लोगों ने गुड़गांव में 37C में देखे होंगे। आवर होम्स ने यहाँ पे दो अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जिनकी हाइट करीबन 9 से 10 फ्लोर की थी। मिडराइजी फ्लोर इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पे एंड उसी का इन्होंने फेज़ 3 से बेसिकली बोल सकते हो, तो फेज़ 3 में इन्होंने ये मिडराइज लॉन्च किए हैं। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है एंड इसकी अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये जो इसकी मेन एंट्रेंस 60 मीटर रोड से होगी, यहाँ से अपनी द्वारका एक्सप्रेसवे की डिस्टेंस ओनली 5 मिनट की रह जाती है। एंड इधर साइड अगर मैं इनके हीरो होंडा चौक, जयपुर हाईवे की बात करूँ या किसी को राजीव चौक भी जाना हो तो विद इन 10 to 15 डेज का डिस्टेंस रहेगा, अपने जयपुर हाईवे को कनेक्ट कर जाओगे। तो यहाँ से हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग इजी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, चाहे जयपुर हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे सोना हो गया, हर जगह जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ है, मिड राइज फ्लोर्स हैं, रेडी टू मूव हैं, 50 से 60 लाख के बजट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो यहाँ पे अपनी ऑल एमिनिटीज मिल जाती है, एक फ्लैट के साथ एक रिजर्व बेसमेंट में पार्किंग मिल जाती है अपने को। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ एक्टिविटी की, तो स्टिल्ट में इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है बच्चों के खेलने के लिए एक्टिविटी एंड कम्युनिटी हॉल, जो कीर्तन का मैं स्पेस बता रहा था वो भी इन्होंने स्टिल्ट पे दिया गया है। इसमें आप कुछ भी भजन कीर्तन करा सकते हो एंड अगर हम इसमें ग्रीनरी एरिया की बात करूँ तो इसमें इन्होंने 3 पार्क बना रखे हैं अपने, जो फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के लिए दोनों के लिए कॉमन होंगे, ठीक है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेसिकली 2 ब्लॉकों में लॉन्च किया है। इस सोसाइटी का पूरा नाम एपेक्स अवर होम्स है, ठीक है। 2 ब्लॉकों में जो इन्होंने फेज़ 3 लॉन्च किया है, इसमें ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, ब्लॉक ए में ओनली 2 BHK के साइज मिलेंगे अपने नॉर्मली वाले एंड ब्लॉक बी में जो अपने 2+ स्टडी मिल जाती है। एंड अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो 1100 स्क्वायर फिट का इसमें आपको साइज़ मिल जाता है। साइज़ दोनों ही ब्लॉकों का सेम है, जिसमें ए ब्लॉक में इन्होंने 1100 स्क्वायर फिट के साइज़ में 2 BHK बना रखा है एंड सेम ब्लॉक बी में 1100 स्क्वायर फिट के साइज़ में इन्होंने 2+ स्टडी बना रखा है। तो इसमें अपने को 2 BHK वाले में थोड़े ह्यूज रूम साइजेस एंड लॉबी एरिया मिल जाती है, ठीक है। एंड अगर मैं इन ब्लॉक्स की हाइट्स की बात करूँ तो टोटल 7 फ्लोर्स की हाइट है, मिड राइज उसे बोल सकते हो आप। इसमें अपने को एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट मिल जाते हैं, इसमें 2 लिफ्ट रहेंगी आपकी एंड 2 स्टेयर्स के साथ में, ठीक है। अगर मैं फ्लैट की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये आप लोगों को ऑल रूम्स में वुडन फ्लोरिंग करके दे रहे हैं। तो वाह भाई वाह, 50 से 60 लाख के बजट में आपको एक मॉडलर किचन भी मिल जाती है, एक कार पार्किंग भी मिल जाती है बेसमेंट में रिजर्व में एंड ऑल फैसिलिटीज़ विद कम्युनिटी हॉल, पार्क वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको इसी रेंज में।
तो मेरे ख्याल से गुड़गांव की सबसे सस्ती एंड सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में इसकी गिनती होनी चाहिए, जिस हिसाब से आज के टाइम में ये प्रॉपर्टी बना के दे रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, एक्टिविटी आप लोगों को दे रहे हैं। बाकी जिन लोगों का बजट ही 50 से 60 लाख का है, अच्छी सोसाइटी में अच्छा घर देख रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी बेटर है। तो एक बार आप कॉल करके विज़िट ज़रूर कीजिए यहाँ की। अगर मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे एक बार विज़िट कर लेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी उनको पसंद आ ही जाएगी, क्योंकि रेंज में भी अच्छी है और सोसाइटी भी अच्छी है। एंड प्रॉपर्टी को देखने के लिए एंड इसके लेआउट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये प्रॉपर्टी वो लोग ज़रूर देखने आए जिन लोगों ने हमसे कॉल किया था कि विमलेश जी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ कम रेंज में भी हो और अच्छी डेवलपमेंट भी हो, डेंसिटी भी कम हो। बाकी वो लोग आप मुझसे दोबारा मत कहना कि विमलेश जी ने मुझे कम बजट में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दिलाई, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए सर्च करके लाया हूँ मैं। तो एक बार प्रॉपर्टी पे आप विज़िट ज़रूर करें, नंबर स्क्रीन पे मेंशन किया है। बाकी मैं आप लोगों को इसका सैम्पल फ्लैट भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर और थोड़ी आग लग जाएगी इसे देख के, क्योंकि लेआउट काफ़ी बेटर बना रखा है उन्होंने, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सैम्पल फ्लैट देखिए, जो भी क्वायरी हो आप मुझे कॉल कर लेना, नंबर स्क्रीन पे होगा, ठीक है। साइड विजिट करनी हो, लेआउट चाहिए होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना।